एसटी कर्मचारियों के निलंबन के खिलाफ चंद्रपुर मनसे द्वारा चंद्रपुर विभाग नियंत्रण कक्षा का घेराव कर आक्रोश व्यक्त किया गया। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस खबर में। राज्य परिवहन निगम को राज्य सरकार में विलीन करने के लिए राज्य भर में एसटी कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। गुरुवार को इस कड़ी में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एसटी कर्मचारियों के अन्यायपूर्ण निलंबन का विरोध जताते हुए राज्य परिवहन निगम के विभाग नियंत्रक का घेराव किया। इस समय निलंबन प्रक्रिया रोकने और रापनी का सरकार में विलीनीकरण करने की पुरजोर मांग की गई। विदित हो चंद्रपुर डिपो के कर्मचारियों ने भी बीते 27 नवंबर से यहां आंदोलन शुरू कर दिया है। बीते 14 दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर एसटी के कामगार कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। यह आंदोलन आर या पार की लड़ाई के तहत किया जा रहा है, परंतु राज्य सरकार इस आंदोलन को समझकर संज्ञान लेने की बजाय उल्टे दमन तंत्र अपना रही है। हड़ताल वापस लेने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। इस दमन तंत्र में मंगलवार को यहां के 14 कर्मचारियों के निलंबन के आदेश भी निकाले गए। यह घोर अन्याय है, इसके खिलाफ मनसे ने आंदोलन किया। गुरुवार को मनसे के चंद्रपुर जिला अध्यक्ष दिलीप रामेड़वार, छात्र सेना के राहुल बालमवार, महिला सेना की सुनीता गायकवाड़ के नेतृत्व में मनसे कार्यकर्ताओं ने अनशन स्थल से भेंट की। एसटी कर्मचारियों की मांगे पूरी करने के साथ ही निलंबन के आदेश वापस लेने की मांग मनसे नेताओं ने की। जिलाध्यक्ष रामेड़वार ने इस समय अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 13 दिवसापासून एसटी कामगार सेनेचा जो संप चालू आहे, कर्मचारी महाराष्ट्र शासनाने यांना कामगार महामंडळाचं आपलं शासनामध्ये विलीन करावं यासाठी जे उपोषणाला बसल्या त्या कामगार एसटी कामगार त्या सगळ्या कर्मचाऱ्याला महाराष्ट्र नव सेनेच्या राष्ट्रवादी जो पाठिंबा दिला आहे, तसेच पूर्ण महाराष्ट्रात आमच्या जिल्ह्यातर्फे पूर्ण कामगार एसटी कामगार सेने एसटी कामगाराला मनसेतर्फे जिल्हा चंद्रपूरतर्फे आम्ही पाठिंबा दिला आहे। यानंतर भी आम्ही आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आम्ही एक पत्र घेऊन चाललो आहे की जे 14 जणांना निलंबित केलं चंद्रपूरच्या त्यांना त्वरित कामावर रुजू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्याला तुम्ही तात्काळ पत्र पाठवा। विभाग नियंत्रक का घेराव आंदोलन करते हुए मनसे ने सख्त रवैया अपनाया। आंदोलनकर्ताओं की मांगे पूरी नहीं हुई और अन्यायपूर्ण निलंबन वापस नहीं लिया गया तो मनसे द्वारा तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। मनसे नेता बालमवार ने इस परिप्रेक्ष्य में बताया, महाराष्ट्र मध्ये लाल परी म्हणून एसटी ची ओळख आहे, पण या लाल परीची हाल परी या सरकारने करून ठेवलेली आहे। मागील 13 दिवसापासून एसटी डिपार्टमेंट मधल्या 38 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केलेला आहे आणि या आत्महत्येचं सत्र सुरू असताना देखील या सरकारला निरुद्ध सरकारला जाग येत नाही आहे। म्हणून सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला आणि महाराष्ट्र सैनिकांना राहण्याचे आवाहन केलेलं आहे। त्यांच्या आवाहनानुसार प्रत्येक महाराष्ट्र सैनिक हा आमच्या एसटी कर्मचारी बांधवांसोबत खंबीरपणे उभा आहे। जेव्हा जेव्हा त्यांना कुठं अडचण येईल आणि त्यांच्यावर जर हे निलंबनाचं सत्र असं सुरू राहिलं तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपल्या मनसे स्टाईलने पूर्ण चंद्रपूरभर आणि महाराष्ट्रभर आंदोलन करेल।